देखिए, हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट एन बराबर एन प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। तो इसके मॉडुलस को इस तरह से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बड़ा लाइन के अंदर जेड को रख दिए, एक मॉडुलस हो गया। इसको शॉर्ट में पढ़ने का तरीका है, अब या तो ऐसे पढ़े मॉडुलस ऑफ जेड, या ऐसे भी पढ़ते हैं मॉड जेड, या तो मॉडुलस ऑफ जेड पढ़ेंगे या मॉड जेड पढ़ेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एक धनात्मक वर्गमूल। मॉडुलस का अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका रियल पार्ट के वर्ग आर ई जेड का होल स्क्वायर प्लस आई एम जेड का होल स्क्वायर। आर ई जेड समझते हैं रियल पार्ट, और आई एम जेड का रियल पार्ट। तो मॉडुलस जो है रियल पार्ट के वर्ग और इमेजिनरी पार्ट के वर्ग के योग का धनात्मक वर्गमूल है। वर्गमूल वर्गमूल दो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब कोई चीज नहीं दिए तो समझिए धनात्मक ही है, फिर भी यहाँ प्लस या चीज देकर यह दर्शा देते हैं कि यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यह और हालत में क्या होता है, समझ में। तो पूछा जाए कि मॉडुलस क्या है, तो कहना होगा कि वो जो है धनात्मक टर्मुल है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। किसका, रियल पार्ट के वर्ग तथा इमेजिनरी पार्ट के वर्ग के योग का। यानी कि अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, रूट इसका अर्थ हुआ रूट अंडर रियल पार्ट, इसमें कितना है ए स्क्वायर। यह समझ में आया। तो अब पहले एक उदाहरण सीखते हैं, तो परिभाषा लिखते हैं। हम मान लेते हैं जेड बराबर थ्री माइनस फोर आयोटा, और इसका मॉडुलस निकालना है, यानी कि आप क्या पढ़ेंगे और जेड को है चाहे मॉडुलस ऑफ जेड को है। तो इसका होगा रूट अंडर रियल पार्ट।